हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 रुपये 42 पैसे के ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और कंपनी के शेयर में अपर सर्किट भी लग रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है इस पेनी स्टॉक का नाम, क्या है शेयर का हाल और कैसे कंपनी के फंडामेंटल और शेयर होल्डिंग पैटर्न और रिजर्व की बात करेंगे, सेल्स पर नज़र डालेंगे, A to Z क्लियर करके हम आपको बताने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में हमेशा भारी उतार चढ़ाव बना रहता है, तो एक्सपर्ट के द्वारा दी गए टारगेट कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। इसलिए आप किसी भी निवेश की योजना बनाने से पहले एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर ले और शेयर बाजार से जुड़े ऐसे ही अपडेट लगातार और सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहां शेयर बाजार से जुड़े ऐसे ही अपडेट सबसे पहले और लगातार लाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के चैट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो वनडे के चैट में देखते हैं, तो वनडे के चैट में भी इन्होंने अपने निवेशकों को 4.91% का प्रॉफिट दिया है। जी हाँ, अगर हम 5 डेज का चैट ओपन करते हैं तो 5 डेज में भी इन्होंने अपने निवेशकों को प्रॉफिट दिया 42.50% का, जो कि काफ़ी अच्छी खासी ये बढ़त देखने को मिल रही। अगर हम 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में इन्होंने अपने निवेशकों को 60.56% का प्रॉफिट दिया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी है। अगर हम 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में इन्होंने अपने निवेशकों का पैसा डबल डबल तक कर दिया, 94.32% का तक कर दिया है दोस्तों। अगर हम 1 ईयर का चैट ओपन करते तो 1 ईयर में भी निवेशकों को प्रॉफिट हुआ है, 60.56% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम 5 ईयर का चैट ओपन करते तो 5 ईयर में भी इन्होंने अपने निवेशकों को 147.83% का प्रॉफिट दिया है। जी हाँ, अगर हम इस कंपनी के ऑल टाइम का चैट ओपन करते हैं तो ऑल टाइम में जो ये शेयर पहले कभी हुआ करता था 71 रुपये का ये शेयर, जी हाँ, जो ये गिर करके काफ़ी लो पे 3 रुपये 35 पैसे पे जा चुका था ये, और अभी अभी हमें 3 रुपये 42 पैसे पे ये ट्रेड मिल रही है। क्योंकि ये 52 बिक अगर हाई की बात करें तो 52 बिक हाई 3 रुपये 42 पैसे, लो इसका 1 रुपये 35 पैसे है। जी हाँ, जैसा देखा जाए तो 6 महीनों में इन्होंने निवेशकों को पैसा डबल तक कर दिया है। तो दोस्तों, ये शेयर आने वाले समय में और भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लो पे ट्रेड कर रही है। और दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम इंडिया स्टील वर्क लिमिटेड है। जी हाँ, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड है। तो दोस्तों, इस कंपनी में आने वाले समय में जैसा न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि आने वाले समय में यार आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए इस कंपनी का फुल एनालिसिस करते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो ये कंपनी लगातार अपने सेक्टर में 1990 से लगातार अपने सेक्टर में मैनुफैक्चर एंड ट्रेड स्टील प्रोडक्ट को कर रही है, 1990 से लगातार अपने सेक्टर में काम कर रही है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसकी 136 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस को देखा जाए 3 रुपये 42 पैसे और इसकी हाई अभी 3 रुपये 42 पैसे है और लो इसकी 1 रुपये 35 पैसे है। अगर हम ROC पर नजर डालें तो माइनस में 19% है और ROE पर नजर डालें तो माइनस में 50.33% है और बुक वैल्यू इसकी 1 रुपया 22 पैसे है और फेस वैल्यू इसका दोस्तों 1 रुपया है। जी हाँ, अच्छा, ये इसकी सेल्स पर नज़र डाल लेते हैं हम। और सेल्स की बात करें तो सेल्स इस कंपनी का 2012 में 601 करोड़ का सेल्स हुआ था। जी हाँ, 601 करोड़ का सेल्स हुआ था, वही अभी घटकर ओनली 4 करोड़ का ही सेल्स कर रही है। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस कंपनी के ऊपर अभी 21 करोड़ का एक्सपेंसेस है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो माइनस में चल रही है कंपनी। जी हाँ, माइनस में 33 करोड़ के माइनस, नेट प्रॉफिट भी माइनस में चल रही है कंपनी 33। अगर हम देखें यहाँ पे कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल ग्रोथ 3 ईयर में भी माइनस में है, 5 ईयर में भी माइनस में है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में देखें तो माइनस 35, 3 ईयर में भी 35% माइनस में। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 64% है और 3 ईयर में 71% है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी नज़र डालें तो वो भी माइनस में, लास्ट ईयर 50% की लाइन पे माइनस में है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल इन्होंने अपनी थोड़ी सी बढ़ाई थी। जी हाँ, 40 करोड़ की इक्विटी कैपिटल करते। रिजर्व की बात करें तो ओनली 9 करोड़ का रिजर्व है। अगर कंपनी के ऊपर उधार देखें तो 71 करोड़ का उधार है कंपनी के ऊपर। जी हाँ, कंपनी के ऊपर 71 करोड़ का उधार है। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो 293 करोड़ की लायबिलिटी है। अगर एसेट पर नज़र डालें तो एसेट कंपनी के पास 196 करोड़ का ही एसेट है। जी हाँ, देखिए शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 50.11% की शेयर होल्डिंग है, FI के पास 0.07% की शेयर होल्डिंग है और DI के पास 1.26% की शेयर होल्डिंग है।
अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 48.56% की शेयर होल्डिंग है दोस्तों। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व में कुछ है नहीं। जी हाँ, ओनली 71 करोड़, ओनली 9 करोड़ का ही रिजर्व है, और देखा जाए तो उधार कंपनी के ऊपर 71 करोड़ का उधार है। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम देखें प्रॉफिट में भी देखें तो प्रॉफिट में भी 33 करोड़ के लॉस में चल रही है कंपनी। जी हाँ, कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन ये अपने निवेशकों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, 6 महीनों के अंदर ही काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है इस सेक्टर में। जी हाँ, 3 सालों में अगर देखा जाए तो 400% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, चैट के हिसाब से कंपनी अपने निवेशकों को दे तो रही है अच्छी खासी, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाते हो, निवेश करते हैं, तो एक बार खुद से एनालिसिस जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि शेयर बाज़ार है, उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिलती रहती है, और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर से लेना दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए न बेचने के लिए दोस्तों। और दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने निकाली है न्यूज़ चैनल के माध्यम से निकाली है, जो न्यूज़ पे अभी खबर सामने आ रही है दोस्तों। और दूसरी बात, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अगर निवेश करते हैं तो एक बार खुद से एनालिसिस जरूर करना दोस्तों, और अपने लीगल एडवाइज़र जरूर चलाना दोस्तों। ओके, थैंक यू। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।